गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कुसुम क्रिएटिव चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड देखते हैं दादी क्या कर रही हैं। ये देखो दादी, नाश्ता हो गया। क्या खाई? ब्रेड मक्खन के लगे हुए। अच्छा, मक्खन। राधे राधे, कौन है? हाँ फ्रेंड है, ये हमारी दादी हैं, इन्होंने खा लिया है मक्खन ब्रेड। तो फ्रेंड मैं आई हूँ धूप लेने आंगन में। देखो फ्रेंड, हमारी दादी अपनी बताएंगी कहानी बचपन की। क्यों दादी, जब आपकी शादी होके आई थी तो आप कितने साल की थी? चौदह साल की। चौदह साल की थी जब? पंद्रह में। फिर ससुराल आ गई। हाँ, फिर क्या हुआ? मतलब परिवार में कौन कौन था आपके? परिवार में हमारे में जिठानी जेठ थे, नंदा है थी, सास नहीं थी, ससुर थे। ससुर थे, सास नहीं थी। अरे जानी भाई थी, रिश्तेदारी थी। पहले तो गौना होता था ना दादी? गौना होता था ना? कितने साल में जाती थी ससुराल? एक साल पूरी हो गई। जब बेदिन आए नहीं पाए ब्याह वाले, तक पहले विदा हो गई हमारी। हाँ हाँ, गौना हो गया। अच्छा, तो आपकी 14-15 साल में शादी हुई थी, है ना? इतने कम उम्र में कैसे कर देते थे लोग बाग शादी? पहले गौने नहीं होते थे। हाँ, अब तो ब्याज ब्याज गौने होते थे। अच्छा, दादी की 15 साल में शादी हुई थी। अब देखो लड़कियों की दादी है कितने साल तक बैठी रहती है? 30-30 साल की भाई जा रही है बेटियां। बताओ 35 की कोई 28 ही नहीं। तो मजे में हो आप? खूब आनंद में। तो देखो फ्रेंड, दादी ने बताइए अगर दादी की शादी कब हुई थी, कितने साल में हुई थी दादी की शादी। तो फ्रेंड आप लोग मेरे ब्लॉग पे ऐसे बने रहना और देखते रहना कहानियाँ, एक से एक कहानियाँ लेके आऊँगी आपके सामने। दादी हैं, मम्मी हैं, हम लोग की फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड बने रहना आप लोग मेरे ब्लॉग में। आंगन में खड़ी हूँ, आंगन का लोकेशन है हमारे, धूप ले रहे हैं। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ अब किचन में, कुछ बनाती हूँ नाश्ता पानी। हाँ आप तो कर ली, अब ये लोग देखूँ क्या बनाती हूँ। चलिए फ्रेंड मैं अंदर जा रही हूँ, धूप हो गई बहुत तेज। फ्रेंड दादी गाना सुना रही है, मैं आपको सुनाती हूँ उनका गाना, चुपचाप ले जा रही हूँ फोन। तेरे गोरे ते गल रंगे डूंगर वाले बाल छीन लेंगे, अरे छीन लेंगे हमारी बकरिया। तो फ्रेंड आपने दादी का गाना सुना, कितना अच्छा गाना गाती हैं दादी, डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कल दादी डांस कर रही थी, आपने देखा तो कमेंट में बताना कैसा लगा आप लोगों का दादी का डांस। किचन में, अब किचन में क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है, क्या बनाऊं, टाइम हो गया है नाश्ता पानी करने का। तो फ्रेंड चलो बताती हूँ, तो मेरा कैसा लगा वॉलपेपर फ्रेंड। और फ्रेंड दादी बहुत अच्छा गाती हैं, मज़ा लगाती हैं दादी। चलो मैं बना लूँ कुछ, फिर आगे मिलते हैं अपन, ठीक है? तो फ्रेंड देखिए मैं बना रही हूँ नाश्ता, मेरा पराठा बन रहा है, सादा पराठा बना रही हूँ आलू का नहीं, सादा पराठा है और चाय से पराठा खाएंगे सब बच्चे सब लोग, देख सकते हो फ्रेंड मैं बना रही हूँ पराठा और चाय, चाय पराठा। सब्जी नहीं बनाई हूँ आज मैं फ्रेंड, जल्दी में नहीं बनाई सब्जी, फिर सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता फ्रेंड कितनी जल्दी निकल जाता है। सुबह का टाइम मुझे पता ही नहीं चलता, सुबह से उठती हूँ इतना सारा काम हो जाता है घर का, फिर बच्चों का स्कूल भेजना, टिफिन लगाना। मैं जल्दी जल्दी पराठा बनाई हूँ और चाय दूँगी, सब लोग खा लेते हैं चाय से पराठा हमारे यहाँ, सब लोग खा लेते हैं नाश्ते में। तो फ्रेंड जब फिर मैं दोपहर में कुछ बनाऊँगी खाना पीना, यही सारी दिनचर्या है। पहले तो इसी का यही काम ख़त्म कर लूँ, फिर आगे आप लोगों से मिलती हूँ। इधर सेक के रख दी हूँ, ये सेक रहा है मेरा पराठा, देखिए इतना सुंदर लग रहा है। हमारे यहाँ पूड़ी पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा खाना, पूड़ी नहीं खाते हैं, पराठा अच्छा खा लेते हैं, पूड़ी में ऑयल ज़्यादा हो जाता है, पराठे में कम रहता है, तो इसलिए पराठा ज़्यादा पसंद करते हैं सभी लोग। तो फ्रेंड मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड मैं लगा रही हूँ बर्तन, पूरा बर्तन रखा है, कप वगैरह सब लगा दूँ एक सा करके, पूरे बर्तन अभी डलिया भरी रखी है बर्तनों की। तो फ्रेंड देखिए मैं कप लगा रही हूँ, इधर
अच्छा ये बताइए कप किसके किस किसके यहाँ ज्यादा टूटते हैं कप? मेरे यहाँ तो इतने कप टूटते हैं फ्रेंड, इतने कप तोड़ती है भाई। और देखो ये कप लेके आई थी छोटा वाला, वो 6 कप लेके आई थी, 6 में से एक कप तो टूट ही गया। और ये वाला कप लेके आई थी 6 में से ये भी एक कप टूट गया, मतलब सेट बिगड़ना ही है। दूसरा कप लेके आते हैं एक टूट जाता है, फिर तीसरा कप लेके आते हैं दूसरा टूट जाता है, बहुत कप टूटते हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं छोटा वाला कप लेके आई हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे, अभी तो ये बचा है, इसका कोई गारंटी नहीं है कप टूटेगा, अभी टूट सकता है। बर्तन लगा रही हूँ, चम्मच रखी है, इसको रखा हाँ लगा देती हूँ इस टाइम में। मेरे यहाँ तो पूरे दिन का काम रहता है फ्रेंड, बच्चे स्कूल से आते हैं। देखो मेरे बर्तन लग गए, मैं कप लगा दी पूरे, देख सकते हैं आप, का पानी भी भर दी और रख दूँ फ्रिज में। अब आप लोग बोल रहे होंगे नहीं कोई पीता है क्या ठंडी में? मैं पीते हैं, मेरे मिस्टर को बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मतलब कैसा होना चाहिए, एकदम चिल्ड पानी पीते हैं वो, उनके लिए रखना पड़ता है, वो तो पीते ही पीते हैं, साथ में बच्चे भी पी लेते हैं पानी को, उनको हो जाती सर्दी जुकाम फिर। अब पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं बच्चे। चलिए फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ, इधर साइकिल चला रहे हैं, धीरे बेटा धीरे धीरे लग जाएगी। यही वाला ये सूखा वाला, ये देख फूल बरस रहे हैं, हनी साइकिल चलाने में बिजी हैं, अब अंदर जा रहे हैं। चलो मैं अंदर चलती हूँ। आप देखो जो पूरा काम फैला है, मैं इसको एक्सा कर दूँ, ये देखो देखो फ्रेंड मैं पूरा वो कर रही हूँ, बिस्तर सही कर दूँ फ्रेंड, है ना। अभी बिछाई हूँ ना, अभी देखना 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। तो फ्रेंड पूरे बिस्तर में सही कर दी हूँ, है ना, पूरा बिस्तर सही हो गया है। अब मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी, अब शॉर्ट बना लूँ 2-4। आप लोग देखना फ्रेंड मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और पूरा ब्लॉग मेरा देखना और सपोर्ट करना। फ्रेंड मैं आ रही हूँ ऊपर, कमल सूखा नहीं है, सुबह धोके डाली थी, अभी तक सूखा नहीं है। अरे वाह माऊ बैठी है, माऊ जग गई, धूप में कमल डालना है, गीला रखा है घर, मेरा दीदी डाल रही हूँ सूखने के लिए, सूखा नहीं था, सुबह धो के डाली थी, अभी तो सूख ही नहीं पा रहा है, पूरा गीला रखा। क्या उड़ोगे तुम लोग, हनी मैं पूरा गीला रखा। देखो सब्जी क्या बना रही, सब्जी के लिए? हाँ पक्का पक्का खाता था नहीं, सब्जी के लिए छील रही है सब्जी, वो चना भी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी इसकी, कड़ी भी बनती है, इतना अच्छा है। बताना कौन कौन सब्जी बनाते हैं इसकी कमेंट में, चना बूट। तो फ्रेंड देखो बिल्ली कैसी सो रही है, कितनी प्यारी लग रही है सोते सोते। अरे बाप रे माऊ, सुन सकती है देखो माऊ, कैची हो माऊ, अरे छोपे पे छो रही है, कैची माऊ है। तो फ्रेंड देखो बिल्ली कैसी सो रही है, कितनी प्यारी लग रही है सोते सोते। अरे बाप रे माऊ, ये देखो माऊ माऊ इधर देखो, काटती हूँ माऊ को उठाती हूँ, ये देखो माऊ कितनी प्यारी लग रही है माऊ। हमारे घर में 3 बच्चे दिए हैं, बड़ी बिल्ली ने, ब्लैक कलर की बिल्ली है, उसका एक बच्चा ही है। तो फ्रेंड कमेंट में बताना, हनी दिखा इधर, तो कौन सा बच्चा प्यारा लग रहा है, इधर दिखा, ब्लैक जा रही है, जा रही है।
वो चली गई। ये दो बैठी हैं, एक ये है। ये क्या कर रही है? वो अंदर जाएगी। माऊ पाल लेता हूँ, खींच लेगा। छोड़ी है वो। हाँ जब आ रही है। हाँ माऊ, माऊ का मुँह देखो, सो रही है। सो रही है, हनी के पास सो जाती है माऊ। माऊ 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 प्यारी माऊ, कैसी हो माऊ? जुदू पिया माऊ ने माऊ मैं पी नहीं हूं। प्यारी सी माऊ, काटती भी नहीं है। देखो हाय फाय आज लेके, ये हाय फाय। माऊ ने हाय फाय कर ली। इतनी क्यूट लग रही है माऊ। ये देखो एक वो जा रही है, इसके पूंछ देखो, इसके पूंछ खेल रही है, पूंछ देखो उसकी। माऊ पानी पीना है माऊ। अरे बाप रे, खेल रही है माऊ। माऊ माऊ खेल रही है, देखो ये खेल रही है माऊ। देखो और उसकी माँ बताए, उसकी माँ वो बताते हैं। हम बिल्ली की माँ कहाँ बैठी है? देखो सिद्धि के कुर्सी के नीचे ये अपने बच्चों को देख रही है। ये बच्चे कैसे खेल रहे हैं। माऊ आ गई, बिल्ली आ गई, इसकी माँ आ गई, देखने जा रही बच्चे कहाँ हैं। इसी के बच्चे हैं फ्रेंड, देखना दो तीनों बच्चे इसी के हैं। माऊ हमारा चूल्हा बना है, इस पर हम लोग खाना बनाते हैं। देखो माऊ भी अंदर चली गई। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इसके अंदर कैसी गई है माँ और बच्चे। बस कहाँ बैठे हैं लोग। माऊ आ गई, बिल्ली आ गई, इसकी माँ आ गई, देखने जा रही बच्चे कहाँ हैं। इसी के बच्चे हैं फ्रेंड, देखना दो तीनों बच्चे इसी के हैं। नीचे हनी, कमल सूख गया, हल्का सा गीला था। ये देखो हनी पीछे पीछे हनी है हमारे। चलो मैं अंदर आ गई, लाइट जला लूँ। राधे राधे। देखो फ्रेंड, मैं हनी को हलवा खिला रही हूँ, हलवा बनाई हूँ अभी। मैं आपको बताना भूल गई, देखो हनी को हलवा दे रही हूँ। हनी हलवा नहीं खा रहा है, बताओ कमेंट करके बताना किस किस के बच्चे हलवा खाते हैं, किस किस के नहीं खाते। मेरा बेटा हलवा नहीं खाता, उसको ज़बरदस्ती खिलाना, खाना भी नहीं खाता है मालूम। चलो किसको थोड़ा सा, देखो जो बेटा गुस्सा है, हलवा चाय बिस्किट चाहिए। मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा हलवा खा लो, चाहे तुम चाय बिस्किट खा लेना। नानू खाएगा मेरा, मैं ना थोड़ा सा हलवा खाओगे ना पहले, हम खिला दें। तो फ्रेंड देखो मैं कैसे खिला रही हूँ, हलवा नहीं खाता मेरा बच्चा, नानू मेरा बेटा है। थोड़ा सा खा लो फ्रेंड, तुमको चाय बिस्किट देंगे पक्का। गोगली बिस्किट, गोगली बिस्किट लाया है हनी, वो खाएगा चाय से, है ना। अभी देख खा लो, लो आँख बंद करें। हनी खा रहा है कि नहीं खा रहा है? हनी खाएगा, हनी खाएगा, हनी प्लीज थोड़ा सा खा लो, जल्दी खा। मैं गुस्सा हो जाएंगे सब तुम्हारे दोस्त, बोलेंगे हो हनी खाना नहीं खाता। तो तुमको चाय बिस्किट देंगे पक्का, प्रॉमिस चाय बिस्किट देंगे हनी। फ्रेंड हमें इसको खिला दें जब जल्दी से। फ्रेंड हमें बताना, बच्चों को खाना बड़ा मुश्किल होता है खिलाना, है ना फ्रेंड? तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मैं परेशान हो गई है, ये खाना नहीं खाता है। या कोई अच्छी सी दवाई बता दीजिए जो उसको पिलाएं तो भूख भूख चिल्लाए, भूख लगी है माँ, भूख लगी है माँ, तो मैं इसे खाना खिलाऊँ। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं इसको खिला दूँ फिर बताती हूँ आपको कि खा लिया। तो फ्रेंड मेरे घर में आ रही है सब्जियाँ, देखो कितनी सारी सब्जियाँ आई हैं। पालक, पत्ता गोभी, पालक साफ होगी कल बनेगी पत्ता गोभी, मूली, कद्दू, कद्दू है, बैगन, पत्ता गोभी सबसे ज्यादा पसंद है, पत्ता गोभी बहुत खाते हैं हमारे यहाँ। आलू और पत्ता गोभी बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, पत्ता गोभी सबसे फेवरेट है। और पालक आलू, पालक पनीर बनाएंगे आपकी बार ना, पालक आलू तो बहुत बनाएंगे। ये बैगन बहुत अच्छा लगता है, ये बैगन बहुत टेस्टी बनता है, ग्रीन वाला है, मसालेदार, खट्टा खट्टा नहीं बोला। बैगन मैं तो नहीं खाता, बैगन बैगन तू नहीं खाता, हम लोग तो खाते हैं। मूली भाजी बनाएंगे आज हम, जो कि गुन्नू नहीं खाता। मैं मूली भाजी भी काटने जाएंगे अभी, और पालक भी साफ करके रख देंगे।
सलाद के लिए मूली आ गई है, खीरा भी आ गया है। हेलो फ्रेंड, तो मेरा खाना बन गया है, सब लोग खा लिए हैं। तो देखिए मैं क्या बनाई हूँ खाने में, दाल है और दो हरी सब्जियाँ हैं और रोटी है। तो फ्रेंड चलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ, सब लोग खा चुके हैं खाना। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर मौज मस्ती वाली, तब के लिए बाय बाय। सीताराम राधे राधे।